नामदार है नामदार, हम तो कामदार है। पार्लियामेंट में जब अविश्वास प्रश्न जो था उस समय में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ये नामदार है और नरेंद्र मोदी जी ये कामदार है। इसका जवाब मैं ऐसा दूंगा कि मोदी जी अपने आप को कामदार कहते हैं, मगर मैंने कोई कामदार को 15 लाख की सूट पहनते हुए नहीं देखा। 2.5 लाख की उनके पास पेन है वो वापरते हुए नहीं देखा। कोई कामदार 1.5 लाख की जूता नहीं पहनता है। कोई कामदार के पास 3.5 करोड़ की BMW नहीं है। तो ये तो सब जुमले हैं, जैसे अमित शाह कहते हैं जुमले, ये भी जुमला है ऐसा मैं मानता हूँ। और उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा कि जो जो लोगों ने आपको आग दिखाया, आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया? मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? और उन्होंने बहुत सारे लोगों को नाम लिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, शरद पवार, चंद्रशेखर जी, ऐसे महान व्यक्तियों का नाम लेके गए कि जो जो लोगों ने आपके साथ आग दिखाया उनका क्या हालत हुआ है। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो इस बात में कोई सच्चाई है, क्योंकि जब इन लोगों का नाम ले रहे उस टाइम पे राहुल गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, और आज आप राहुल जी को वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस चीज का जवाब मांग रहे हैं जो उनके जन्म से पहले हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी, ये इनका जो कार्यकाल है, जब ये 3 टर्म गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अभी प्रधानमंत्री है, इनका जितने लोगों ने इनके खिलाफ आग डाला या इनकी तरफ बुरी नजर से देखा या कुछ भी किया हो, जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, इनका क्या हालत हुआ? सबसे पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, बहुत ही सीनियर RSS और भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, नरेंद्र मोदी जी उनके अंडर काम करते थे, मगर इतिहास गवाह है, गुजरात के लोगों को पता है, गुजरात के बीजेपी पार्टी के लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने केशुभाई पटेल के साथ किस तरह धोखा किया और उनके पीठ में कंजर भोंक के वो मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा था। श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, आज अडवाणी जी का क्या हालत है? आपने अडवाणी जी आज पार्लियामेंट में आते आप उनको बोलने नहीं देते। गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हरेन पंड्या नाम का एक बहुत ही तेजस्वी और बहुत बढ़िया लीडर थे, जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। इस होम मिनिस्टर का दिन दहाड़े गोली मार के हत्या किया गया। मैं आज के नौजवानों को कहता हूँ कि आप YouTube पे जाइए, Google पे जाइए और हरेन पंड्या जी के मौत का कारण कौन है, कौन इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, उसकी बीवी का क्या कहना है, उनके परिवार का क्या कहना है, ये आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह अपना पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुछ लोगों ने अपने रास्ते से हटा दिया है। उसी तरह मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का सबसे बड़ा रोल था, और ये नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी माने जाते हैं। आज मुरली मनोहर जोशी का आपने क्या हालत किया? कहीं पे वो बोल नहीं सकते, बनारस में इनका सीट था वहां से इनका टिकट आपने काटा। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये ग्राउंड वर्कर है। मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ नेता होते हैं ना जो पैराशूट से लैंडिंग करते, नरेंद्र मोदी जी उसी तरह खास नेता है। वो अपने आप को भले कामगार बोले, वो कामगार नहीं है, वो भी नामदार ही है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी उस टाइम पे नरेंद्र मोदी MLA नहीं थे। इनको डायरेक्टली वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री करके भेजा, और उसके बाद जीवन का पहला इलेक्शन उसके बाद वो MLA का लड़े। आपका पॉलिटिकल स्टेटस, जो आप से 4 बार CM रहे,
आज प्रधानमंत्री है, इसका श्रेय आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत देना चाहिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स को देना चाहिए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मुरली मनोहर जोशी। आपका काबिलियत नहीं थी, आपको पहला उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में आप आमदार बने। यूजुअली होता है ऐसा कि आमदार बनने के बाद कोई आदमी सीएम बनता है, तो आप भी खास आदमी हैं और आप भी नामदार हैं, तो आज आप लोगों के बीच में एक अलग छवि दिखा रहे, ये बहुत गलत बात है। और आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे, आप आरोप राहुल गांधी पे लगा रहे और उन लोगों के नाम लेके लगा रहे जो महान पुरुष है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, आप मुरारजी देसाई, शरद पवार, इसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं था। इसलिए आप देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए।